मूवी को देखने गया अच्छा तो पहली दफा मैंने मेट्रो सिनेमा पे हाउसफुल का बोर्ड देखा और अच्छा। मैं पूरी फैमिली के साथ था। जबरदस्त। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं परेशान भी हुआ कि मैं किसी तरीके से भी अब फिल्म देखनी है। सॉन्ग स्टार्ट होता था तो वो रिजगारी पीछे से फेंकते थे। अच्छा, पब्लिक पब्लिक। हाँ। तो पहली दफा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और हमारे सरों पे आके लगते थे, हम परेशान होते थे कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उतरखेल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद खालिद साहब के ऑफिस में, क्योंकि मैंने आज बनानी है मेट्रो सिनेमा के ऊपर वीडियो आपके लिए ईद के ख़ास मौके के लिए। आज मैं इनके ऑफिस में बैठा हूँ, मेट्रो सिनेमा के हवाले से यादें शेयर करेंगे। फिल्मी सहाफ़त भी करते रहे मोहतरम खालिद साहब, तो कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेट्रो सिनेमा में सबसे पहली मूवी कौन सी देखी थी आपने? मेट्रो सिनेमा पे मैंने सबसे पहले मूवी देखी थी 1984 में, दिल के टुकड़े। दिल के टुकड़े, ये ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। शमी मारा और हबीब इस फिल्म में थे। अच्छा। और मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शायद 2 या 2.5 रुपए का टिकट पे मैंने ये मूवी देखी थी। सही। बस उसके बाद समझ लें फिल्म देखने का एक सिलसिला चल पड़ा। और मेट्रो सिनेमा के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि ये औरंगीटाउन में उर्दू और पाकिस्तानी मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ के लिहाज से बेहतरीन सिनेमाओं में से एक था, जिसमें फैमिलीज आती थी और एक अच्छा तफरीगाह में शुमार किया जाता था। अच्छा। फिर मेट्रो सिनेमा पे एक फिल्म देखने का सिलसिला शुरू हुआ तो हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त सस्ताई का टाइम था और फैमिली भी जाते थे और हमारी भी फैमिली जाती थी, हम भी मूवीज़ देखते थे वहाँ पे, काफ़ी हमने मूवीज़ देखी। सही। अच्छा, मैं वहाँ से गुजरता था जब भी औरंगीटाउन से, अक्सर जाना होता था मेरा, तो मैंने वहाँ ज़्यादातर पश्तो मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए देखे। अंदर जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं कभी कभी रुक कर उन पोस्टर्स को देखता था और मेट्रो सिनेमा को देख के फिर आगे की तरफ मैं चल पड़ता था, या कभी बस में, उस वक्त तो ज़्यादा बस में सफ़र करता था तो बस कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए वहाँ से गुजरती थी, तब भी मेरा पोस्टर्स के ऊपर नज़र पड़ जाती थी। तो आप मुझे बता रहे हैं कि पंजाबी, उर्दू मूवीज़ और फैमिली का, मुझे सुनकर हैरत हुई कि यहाँ फैमिलीज़ भी आती रही है। अमूमन वहाँ पे फैमिली के साथ मूवी देखने जाया करते थे। अच्छा। और वो जो आप पश्तो फिल्मों के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी टाइम बाद की बात है। अच्छा। जाहिर बात है जब उर्दू मूवीज़ की और पंजाबी मूवीज़ की हालत ख़राब हो गई, बेसुरा बेढंगे फिल्में बननी शुरू हो गई तो लोगों का रुझान ख़त्म हो गया। सही। तो वो पश्तो फिल्में बाद में लगी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेट्रो सिनेमा औरंगीटाउन में वाकई एक ऐसी तफरीगा थी जिसमें लोग अपनी फैमिली के साथ जाना मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था और बहुत बेहतरीन मूवीज़ उन्होंने रिलीज़ की हैं। सही। मैंने खुद उस सिनेमा पे वहीद मुराद की फिल्म काफ़ी देखी है, जिनमें वादा, अच्छा, जिंदगी कितनी हसीन है, पर्क, अंजुमन और इसके अलावा सूरत और सीरत। अच्छा। दादा सुधीर, मोहम्मद अली। हाँ हाँ। आपने देखी होंगी ये मूवी। इसके अलावा मैंने वहाँ पे ज़मीन आसमान नदीम की मूवी थी। हाँ हाँ। ज़मीन आसमान मैंने आधी मूवी देखी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर देखी है। अच्छा अच्छा। सही। और इसके अलावा मैंने नसीब, अच्छा, बारूद, जो आई थिंक बाबर खान की पहली फिल्म थी, मोहम्मद अली और सुल्तान राय। अच्छा। उस फिल्म में थे। सही। इसके अलावा तलाश, नदीम और शबनम, बाबर शरीफ, वो बड़ा मशहूर सॉन्ग है सलीम शहजाद साहब के, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, बहुत ज़बरदस्त। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जब मैं उस मूवी को देखने गया, अच्छा, तो पहली दफ़ा मैंने मेट्रो सिनेमा पे हाउसफुल का बोर्ड देखा और अच्छा। मैं पूरी फैमिली के साथ था। ज़बरदस्त। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं परेशान भी हुआ कि मैं किसी तरीके से भी अब फिल्म देखनी है, फैमिली के साथ आए हो, बेइज्जती ना हो तो लेकिन वो सिनेमा वाले ने इतना ताउन किया। अच्छा। कि बाकायदा हमारे लिए 6-7 हम लोग थे, हमारे पूरी फैमिली थी, तो उनके लिए सीटें प्रोवाइड की और हमने वो मूवी देखी। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छी फिल्में जब होती है ना तो वो लोग सिनेमा घर नहीं देखते। हाँ। फिर वो लोग मूवी देखते हैं। ये आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, मूवी अच्छी हो ना तो लोग खुद ब खुद चले जाते हैं, मतलब खींचते हैं कि भाई हमने मूवी देखनी है। जी बिल्कुल। मूवी में दम होना चाहिए, कॉन्टेंट में दम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आपने सही कहा। लेकिन चूँकि फिर रफ्ता रफ्ता पोजिशन फिल्मों की ऐसी होने लगी कि लोग
सैनमाओ से दूर हो गए। अच्छा। सैनमाओ की जो पोजीशन थी कि वो भी अब खस्ता हालत में चले गई, किसी किस्म की कोई डेवलप नहीं कर रहे किया उन्होंने। और मेट्रो सैनमा में एक और चीज़ जो मुझे उस वक्त बहुत बुरी लगी और मैंने उसको बाद में एक अखबार में इसको शाया भी किया या एहतजाज लिख कर, हाँ? कि एक मूवी मैं देखने गया जुमे के दिन, आपको पता जुमे के दिन पहले मूवी, हाँ, जुमे के दिन मूवी रिलीज होती थी। तो मैं जब देखने गया तो वो बाकायदा उन्होंने जब कतारें बनाई टिकट के हवा लिए, हाँ? तो वो कुछ लोगों को डंडे दे दिए। अच्छा। तो वो लोगों पर तशद्दुद करने लगे, सही लाइन खड़ी करने के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये चीज़ें तो आप आवाम को सिनेमा से दूर कर देंगी। तो ये मैं आपको बताऊं कि मेट्रो सिनेमा में लोगों के एक रुझान रहा है और फैमिली के साथ आने में उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये आपकी जो डंडे वाली बात है, हमारे रूबी सिनेमा करीब था, वहाँ एक छोटी हाइट के बलोच थे, उनके हाथ में पाइप होता था, फिर वो लोगों को 10 लोगों में से किसी एक को लग जाए वरना ज़मीन पे या दीवार पे ज़्यादा मारता था, वो एक रोप के लिए कि लाइन सीधी हो जाए। तो खैर ये हमारे सिनेमा का एक कल्चर रहा है, अच्छा या बुरा, तो लाइन सीधी करने के लिए डंडे या पाइपों का इस्तेमाल होता रहा है। और ये भी फिल्मी सनद या सिनेमा की यादों से जुड़ा हुआ एक खूबसूरत, इसको कह सकते हैं, किस्सा है ये। बिल्कुल, आप समझ लें कि हम जुमे के दिन और सिनेमा में ना जाए, हाँ। ये हमारे लिए जुमा या ख़ास तौर पे ईद के मौके पर कोई मूवी ना देखे तो आप समझ लें कि वो ईद ही नहीं होती थी हमारी। सही। और मैंने, मुझे याद आता है कि मैंने ईद के मौके पर सिनेमा में काफ़ी फिल्में देखी हैं। मैं बैंकॉक के चोर, अच्छा, 3 ×3 ×6, नदीम की एक मूवी थी, नदीम शबनम की, वो कौमी यकजहती पर कामयाबी, अच्छा, उसमें मरहूम तरत हुसैन साहब भी थे, सही, और सबिया खानम के साथ उनके पेयर था। वो मैंने ईद के दिन मैं गया था शहजाद सिनेमा पे बसेरा देखने के लिए। अच्छा। तो बसेरा के मुझे टिकट नहीं मिला, तो फिर मैं भागता हुआ मेट्रो सिनेमा आया और वहाँ पर मुझे ये टिकट मिल गई, तो मैंने कामयाबी फिल्म देखी। शुरू की मूवी तो आपने देखी है खाली साहब 2.5 रुपए के टिकट में, जब ये ईद वाली मूवीज आप देखना शुरू की तो यहाँ इस वक्त तक कितने का टिकट हो चुका था? उस वक्त नॉर्मली टिकट था जो मतलब हमें विंडो से मिल जाते थे, वो टिकट तो 7 रुपए। अच्छा। लेकिन अगर ब्लैक में जाए तो वो टिकट हमें 10 से 12 रुपए का पड़ता, जो कि हमारे लिए उस वक्त काफ़ी कॉस्टली था, बड़े मुश्किलों से लेते थे। लेकिन चूंकि एक फिल्म देखने का हमारा एक जुनून था, हाँ। तो हमें वो 3-4 रुपए भी उस वक्त काफ़ी हमारे लिए महंगा पड़ता था, लेकिन हम लोग वो टिकट परचेज कर लेते थे कि भाई हमने मूवी देखनी है, हाँ। हम किसी भी तरीके से वापस नहीं जाएंगे मूवी देखे बगैर। सही। तो ये है। इसके अलावा मैंने वहाँ पे दारा फिल्म देखी, पंजाबी नहीं, दारा नसरुल्ला भट्ट, हाँ। और रानी के मूवी थी, जो एक मतलब एक एडवेंचर टाइप की मूवी थी, अच्छी। अच्छा। मूवी थी। सही। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे सार्जेंट, अच्छा, और मुस्तफा कुरैशी और आसिफ खान, क्योंकि मुझे आसिफ खान की मूवी देखने का बड़ा शौक था, सही, तो मैंने वो मूवी भी वहाँ पे देखी, हाँ। और चांद सूरज मूवी आप को नदीम और शबाना, और शबाना या शबनम, शबाना इंडियन सॉरी बांग्लादेश की जो शबाना थी, अच्छा, वो, और ये आप अजीब मूवी थी जिसको 2 पार्ट में बनाया गया, यानी फर्स्ट पार्ट में 2 हीरो, एक हीरो एक हीरोइन, अच्छा, वहीद मुराद और रोजीना, हाँ। और सेकंड पार्ट में ये शबाना और नदीम, अच्छा, तो ये अजीब सी मूवी थी, लेकिन इसमें चूंकि सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, हाँ। तो वो हमने देखा, लेकिन हमें मूवी ज्यादा पसंद नहीं आई। अच्छा, कहानी जैसे आप कह रहे हैं कि 2 पार्ट में बनी, मतलब 2 हिस्सों में, शुरू में अलग पेयर था हीरो हीरोइन का और एंड में सेकेंड हाफ में अलग पेयर था, तो कहानी एक ही चल रही थी या दोनों की कहानी अलग अलग थी? दोनों की कहानी अलग अलग थी, बस वो एक रोमांटिक टाइप की मूवी थी, अच्छा, लेकिन उस जिस टाइप की उन्होंने कोशिश की, हाँ। लेकिन वो फिल्म ज़्यादा कामयाब भी नहीं हुई, वो नाकाम मूवीज में उसका शुमार होता है। सही। और इसके अलावा अंजुमन, अंजुमन मूवी बहुत ज़बरदस्त मूवी, आपको पता है हसन तारिक की मूवी है, अच्छा, और ये जो मैंने देखी तो मुझे बहुत पसंद आई मूवी, सही, और इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, अच्छा, खास तौर पे यादश बखैर बचपन में, अच्छा, ये, और भाभी मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, सही, लग रही है मुझे आज सारी फिजा, इसके अलावा रूना लैला के जो सॉन्ग्स थे दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ, ये तो बड़ा मशहूर गाना है ना, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, हाँ।
अच्छी मूवीज बनती थी तो लोग चाहते थे और वो बिजनेस भी होती थी ऐसी मूवीज की। तो इसके अलावा मैंने वहाँ पे तहजीब फिल्म, जी हाँ तहजीब मूवी देखी, शाहिद और रानी के। अच्छा। वो लगा है हुस्ने का बाजार देखो, नई तहजीब का शाहकार देखो। तो इसके अलावा नागमनी, नागमनी जब मैं देखने गया और रजा मीर साहब की मूवी थी, रानी वहीद मुराद और कभी और ये सब फनकार थे, तो मैं पहली दफा हैरान हुआ कि वहाँ पे वो हर सीन पे यानी सॉन्ग्स पे, चूंकि वो भी एक म्यूजिकल मूवी थी, उसमें हसनी साहब बजमी साहब की मौसीकी, आपको पता है जबरदस्त मौसीकी मौसीकार थे हमारे, तो वो जब कोई भी सॉन्ग स्टार्ट होता था तो वो रिजगारी पीछे से फेंकते थे। अच्छा, पब्लिक पब्लिक। तो पहली दफा ऐसे एक्सपीरियंस हुआ और हमारे सरों पे आके लगते थे, परेशान होते थे कि क्या हो रहा है। अच्छा, वो उठाता गोदा रिजगारी फेंकते थे पब्लिक। कुछ हमारे साथी जो बच्चे थे, हमारे छोटे भाई थे, उन्होंने भी उठा लिए। अच्छा। बाकी तो सिनेमा वाले यकीन सफाई करते हैं, चांदी हो गई होंगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, उस वक्त से आप फिल्में देख रहे हैं मेट्रो सिनेमा में, तो आप किस हीरो के चक्कर में आते थे, मतलब सबसे अच्छा आपको कौन लगता था अदाकार? देखें, मैं उस वक्त कोई ऐसे पसंद का अदाकार तो कोई था नहीं, मैं सबकी मूवी देखता था, लेकिन मुझे फैसल की अदाकारी ज़्यादा पसंद आती थी। सही। और उसके बाद मुझे वहीद मुराद की मैंने वहाँ पे मूवीज देखी ज़्यादा। सही। वो भी एक रोमांटिक एक्टर था, आपको पता है। सही। और साथ साथ उसके फिल्मों की खास बात ये थी कि उसके सॉन्ग्स बहुत फेमस, उसके म्यूज़िक पे काफ़ी मतलब तवज्जो दी जाती थी, अच्छा म्यूज़िक था उसका। जी हाँ, ना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मैं आप शान के जो फैन क्लब रहा है उसके चेयरमैन भी रहे, तो शान की मूवीज़ कब देखना शुरू किया आपने और सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है शान की आपको? शान की मूवी मैंने पहली मूवी देखी थी वो आशिकी, उसके बाद जो सबसे अच्छी मूवी के हवाले से आप कहें तो मैंने चाहत मूवी थी नदीम और इस्माइल शाह और शान। अच्छा, रीमा। सही। मुझे उस फिल्म में शान की अदाकारी बहुत अच्छी लगी। सही। और हमने बाकायदा जब निगार अवार्ड की तकसीम हो रही थी, यानी कि जब अनाउंसमेंट किया, तो उसमें हमारा जो ख्याल था पूरे फैन क्लब का कि इस फिल्म में शान को सपोर्टर एक्टर का अवार्ड मिलनी चाहिए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे याद नहीं पड़ता कि किसको दिया गया था, तो हमने बाकायदा एहतजाज किया। हम उस वक्त इलियास रशीदी मरहूम के पास भी गए और हमने उनको याददाश्त दी और एक पंपलेट दिया कि यह पंपलेट आप अखबार में हमारे शाया करें। अच्छा। कि शान के साथ ज्यादती हुई है। सही। लेकिन वो इलियास रशीदी साहब ने कहा कि यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है और ये हम फैसला नहीं करते, जूरी फैसला करती है, तो लिहाजा आपका एहतजाज को हम अपने अखबार में तो शाया नहीं कर सकते। तो मुझे याद पड़ता है कि शायद नास अखबार उस वक्त एक शाया होती थी, उस अखबार में हमने इस एहतजाज मरासले को शाया करवाया था। ठीक ठीक। अच्छा, फिर मेट्रो सिनेमा की वीडियो हमारी तवील होती जा रही है, अभी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, रहती होंगी, तो ये बताएं कि आखिरी मूवी कौन सी देखी मैंने, या आखिरी की चंद एक जो आपकी यादाश्तों में हो? हाँ, आखिरी मूवी जो है वो मैंने एक सुल्तान राही मरहूम के डंडे का दौर, अच्छा वो मूवी देखी, हालांकि वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, पंजाबी मैं पंजाबी मूवी थी और मैं पंजाबी से बिल्कुल ना बहेद हूँ, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन एक जुनून था कि पाकिस्तानी मूवी देखनी है। अच्छा। हीरो कौन, हीरोइन कौन, ये मुझे एक उस वक्त इतना ज़्यादा माइंड में नहीं था। सही। तो लेकिन ये है कि वो मैंने आखिरी मूवी देखी और मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त शायद मैंने 25 रुपये का वो टिकट परचेज किया। अच्छा। अब जब गुजरते हैं वहाँ से उस रास्ते से, मेट्रो सिनेमा अब मतलब तोड़ के उसकी जगह एक प्लाज़ा या कोई मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, तो आपको याद तो आता होगा कि यार यहाँ कभी मैं आया करता था और मूवीज़ देखता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप ये बिलीव करें कि जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि 1973 में यह सिनेमाघर बनाया गया था और यकीनन ये औरंगी टाउन वाले के लिए एक बेहतरीन सिनेमाघर था। सही। पैर का हर उरूज को जवाल हासिल है। सही। तो नाज़रीन, खालिद भाई की यादाश्तों से यकीनन आप भी माजी में खो गए होंगे। अगर किसी ने मेट्रो सिनेमा में मूवीज़ देखने का तजर्बा किया है तो वो कमेंट में लाजमी बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और खालिद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।